हेलो नमस्कार दोस्तों, नाम है मेरा बॉबी और यूट्यूब पे जानकारी देनी मेरी हॉबी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को आज थैंक यू बोलना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए थे कल ही, तो धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ TVS रेडॉन या फिर रेडियन, जो भी आप बोल सकते हो अपनी अपनी, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकती है। तो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ये TVS रेडियन BS6 2020 मॉडल है और 4-स्ट्रोक डुअल डूरा लाइफ इंजन इसके अंदर दिया गया है, जो काफ़ी अच्छा इंजन है। अगर हम देख सकते हो, मैं आपको सबसे पहले तो इसकी एक बार ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, जो कि चैनल का नाम है आई एम बॉबी ड्राइव। तो मैं जो जो चीज़ ड्राइव कर सकता हूँ वो मैं आपको इस चैनल पर ला के दिखाने की कोशिश करता रहता हूँ। तो आप लोग देख सकते हो गाड़ी काफ़ी अच्छी है, लाइट वगैरह अच्छी है। और मैं इसके टॉप मोस्ट फीचर की बात बताऊँगा, जो कि इसमें एक चार्जर दिया गया है। चार्जर कहाँ दिया गया है यह मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, तो आप लोग वीडियो एंड तक देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये, इसमें अगर हम टायर की बात करें फ्रंट टायर की, तो इसमें फ्रंट टायर दिया गया है 2.75x18 ट्यूबलेस टायर दिया गया है, और पीछे वाला दिया गया है 3.00x18 ट्यूबलेस, वो भी ट्यूबलेस दिया गया है। तो आप देख सकते हो ये इसकी इंडिकेटर और लाइट, और ये फर्स्ट लुक है इसकी। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ गाड़ी का, ये TVS और यहाँ पे ये रेडॉन की ब्रांडिंग, और यहाँ पे देख सकते हो। और ये अगर हम इसके फ्यूल टैंक की भी बात करेंगे टोटल, कि इसमें कितने लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। सबसे पहले हम इसके स्पीडोमीटर पर आते हैं, तो देख सकते हो आप लोग एकदम डिफरेंट और यूनिक स्पीडोमीटर इन्होंने देने की कोशिश की है, जो कि डिजिटल नहीं है लेकिन सुई वाला है, और काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रोवाइड करने की कोशिश की है। यहाँ पे इंडिकेटर के दोनों अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, लेफ्ट का अलग राइट का अलग, जो कि एरो बना हुआ आ जाता है, और न्यूट्रल का भी मिल जाता है बीच में। तो ये देख सकते हो आप TVS की ब्रांडिंग की गई है यहाँ पर सामने। तो अगर हम शॉकर की बात करें, तो शॉकर इसमें फ्रंट में दिए गए हैं टेलीस्कोपिक ऑयल डैम्प्ड, और रिवर्स में दिए गए हैं शॉकर 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक। तो इससे गाड़ी में आपको दोची वगैरह कम से कम खड्डे वगैरह में आपको फील होगा। देख सकते हो ये TVS रेडियन आपके सामने आज BS6 वेरिएंट है ये, और इसमें जो इंजन दिया गया है ये EFI सिस्टम का इंजन दिया गया है। EFI की मैं आपको आज फुल फॉर्म बताने की कोशिश करूँगा, इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन। तो EFI आपने कई गाड़ियों पर लिखा हुआ दिखा हुआ, कई बाइकों पर लिखा हुआ आता है, तो उसका ये फुल फॉर्म है इको थ्रस्ट फ्यूल इंजेक्शन। तो अगर हम इसके व्हील बेस की बात करें, तो व्हील बेस दिया गया है 1265 mm का। अगर हम इसके मैक्सिमम पावर की बात करें, तो मैक्सिमम पावर ये 6.3 kW 8.8 BHP एट द रेट 3750 RPM के साथ प्रोड्यूस कर देती है। और बोर और स्टॉक इसका है 53.5 mm x 48.8 mm, और इसमें दोनों चीज़ दी गई हैं सेल्फ स्टार्ट, ये देख रहे हो आप ड्यूरा लाइफ का, जो कि EFI है उसका ड्यूरा लाइफ इसमें काफ़ी अच्छी फीचर ये नया आया है। और देख सकते हो आप लोग इसकी जो टेल लाइट है ना, वो मैं आपको दिखाऊंगा। टेल लाइट इसकी काफ़ी अच्छी है, जो कि 12 वोल्ट की 12V P21 5W आगे आ जाती है। पीछे वाली लाइट की बात कर रहा हूँ, ये देख सकते हो आप। मैं आपको एक बार ये चालू करके दिखाने की कोशिश करूँगा। स्पीडोमीटर इन्होंने अलग सा प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है, और आगे ये घोड़े का साइन दिया गया है, जो कि TVS का साइन है, और ये अपाची पे भी आता है। मैंने अपाची की कई सारी वीडियो डाली हैं, आप लोग नीचे जाके देख सकते हो। तो ये देख सकते हो सेल्फ स्टार्ट भी है और किक, दोनों चीज़ इसमें प्रोवाइड की गई है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, सेल्फ और किक दोनों चीज़ मिल जाती हैं इस गाड़ी के अंदर हमें। तो जैसे कभी कभार हमारा सेल्फ वगैरह काम नहीं करता है, तो हम इसको ले जा सकते हैं। अगर इसमें 4-स्पीड कॉन्स्टेंट दिया गया है, तो गाड़ी ये लुक है पूरी की पूरी, और इसका ये वाला कलर काफ़ी अच्छा है, और इसमें कई सारे कलर ऑप्शन मिल जाते हैं हमें। और ये अगर हम देख सकते हो आप लोग, एलॉय भी दिए गए हैं इसमें, मतलब स्पोक वाले नहीं दिए गए हैं इसमें। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे गाड़ी की लुक थोड़ा और अट्रैक्टिव बन जाती है। और अगर हम इसके क्लच की बात करें, तो इसमें वेट मल्टी डिस्क क्लच इसमें प्रोवाइड किया गया है, और ये साइलेंसर, और ये साइलेंस के साथ साथ ये ना पीछे ये भी काफ़ी देखो ये लाइट में आपको बता रहा था टेल लाइट, ये 12V P21 5W की दी गई है, तो काफ़ी अच्छी दूर तक लाल दिखता है पीछे वाली गाड़ियों को। और ये फ्यूल टैंक की बात करें, तो फ्यूल टैंक इसमें 10 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है। ये देख सकते हो ये किक भी है, और किक के साथ साथ इस किक के साथ साथ हमें सेल्फ का ऑप्शन भी मिल जाता है, और यहाँ पे आप अपना बैग वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ टांग सकते हो और इसको लॉक कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा बाइक है ये, आप लोग देख सकते हो इंडिकेटर। अगर हम इसके सीसी की बात करें, तो 110 cc का आ जाता है इसमें, 109.7 cc तक का इंजन इसमें आ जाता है। तो काफ़ी अच्छी गाड़ी है, माइलेज काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का, वो कि अगर आप एवरेज स्पीड पर चलाते हो 60 से 65-70 के बीच में, तो आपको माइलेज इस गाड़ी का काफ़ी अच्छा मिल जाएगा। अगर हम इसके
बैटरी की बात करें तो बैटरी इसमें 12 वोल्ट की दी गई है, 4 AH की बैटरी इसमें प्रोवाइड की गई है, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है गाड़ी में। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये ना चार्जर है, ये देखो ये चार्जर है इसका, और ये काफ़ी अच्छा चार्जर यहाँ पे मिल जाता है अगर आप इसको सॉकेट को निकाल के अपना चार्जर यहाँ पे फिट करवा सकते हो। तो हमें आजकल बाइक में भी चार्जर ऑप्शन मिल जाता है टोटल, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर हम इसके टोटल लेंथ की बात करें तो लेंथ इसमें 2025, विड्थ 705 और हाइट 1080 mm प्रोवाइड की गई है। टोटल वेट गाड़ी का है 116 kg। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, जैसे ही मैं वीडियो डालूँ वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसी टाइम उसको लाइक कर दो। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, धन्यवाद।